हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुरु एप्लीकेशन से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैसे आप यहाँ पे ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आज बाय किया है और उसको आप सेल नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कल को उसको सेल करना चाहते हैं या फिर आने वाले टाइम में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसको सेल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे कितने दिन तक उसको होल्ड कर सकते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको आगे मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख गुरु एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया है और जब इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप अपना एक डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, डीमैट अकाउंट बना के अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे, जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते तो हमारे सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और यहाँ पे भी हमें कई ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं शेयर्स के, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ कंपनियां मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं डायरेक्ट इंडेक्स में, जैसे निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है सेंसेक्स का, फिर निफ्टी का, तो ये हमारे इंडेक्स है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो हम इसमें यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे निफ्टी 50 को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे निफ्टी 50 को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी निफ्टी 50 का चार्ट है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे निफ्टी 50 आप देख सकते हैं भी कितने पे ट्रेड कर रहा है और जो भी हमारा चार्ट है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है ऑप्शन चैन का, तो हम यहाँ पे ऑप्शन चैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपने पहले FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है, मतलब आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे आपने FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करना है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन चैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन है हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमें ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सपायरी डेट के, ठीक है। ये दोस्तों हमारी एक्सपायरी डेट होती है, नीचे हमें यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिल जाते हैं कॉल का, कॉल प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको ऑप्शन मिला हुआ है कॉल का, तो ये कॉल प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है और ये पुट प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पे मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ कॉल ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अगर दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन में बाय करेंगे किसी भी ऑप्शन को, ठीक है। अब दोस्तों हम जैसे ऑप्शन चैन के ऑप्शन पे जाएंगे हमने देख लिया कि मार्केट कौन से वे में जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल प्राइस के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम किसी भी एक प्रीमियम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों हमें यहाँ पे किसी भी एक प्रीमियम को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एट द मनी में जाएंगे, मतलब एटीएम में हम यहाँ पे बाय करेंगे। एटीएम क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ये स्पॉट प्राइस होता है इसको एटीएम बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस प्राइस को बाय करने वाले हैं, तो जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इस तरह का बाय का, बाय के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी मार्केट लाइव चल रहा है, तो लाइव जब मार्केट लाइव होगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लोट वाइज ऑप्शन मिल जाते हैं, हमें यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलता है डिलीवरी और इंटरडे, तो हमें इसको यहाँ पे इंटरडे में नहीं रखना है, हमें इसको डिलीवरी में रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर हमने इसको होल्ड करना है तो हम इसको डिलीवरी में बाय करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन मिल जाता है, हम यहाँ पे लोट वाइज क्वांटिटी खरीदते हैं, एक लोट में यहाँ पे 50 क्वांटिटी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे एक दो क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते, आप अगर क्वांटिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप 50 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक लोट ऐड करेंगे तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी ऐड होगी, यहाँ पे दो लोट हमने ऐड कर दिए तो हमारे यहाँ पे 100 क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। दोस्तों अब हम यहाँ पे एक लोट को बाय करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है मार्केट प्राइस और इसके बाद इस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस लिमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे इसको बाय करना है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, हम यहाँ पे इसको मार्केट प्राइस पे ही रखेंगे तो हम इसको अगर बाय करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बाय का, तो बाय के ऑप्शन पे हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपने इस ऑप्शन को होल्ड रखना है तो जैसे ये एक्सपायरी डेट है आज यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक्सपायरी में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारे ये प्रीमियम होते हैं ये जीरो हो जाती है, ठीक है। जो ये प्रीमियम है जो आज यहाँ पे एक्सपायरी में जीरो हो गए तो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे मार्च तक है, ठीक है। अगर आप आज ही प्रीमियम को बाय करते हैं और आपने आज का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो ये आज ही यहाँ पे मार्केट क्लोज होने तक यहाँ पे एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आज ही फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको होल्ड रखना है आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, 28 मार्च का ऑप्शन आपको मिला हुआ है, इस पे आपने
क्लिक करना होगा। ये कब, ये यहाँ पे जो एक्सपायर हो गए ये ऑप्शन, ये जो ऑप्शन आपको मिले हुए ये एक्सपायर हो गए 28 मार्च को, ठीक है। 28 मार्च तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं और जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जो भी आपका लॉस होगा, वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा आपके अकाउंट में, ठीक है। पोजिशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, रुको एक मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे, यहाँ पे आपको 28 मार्च का ऑप्शन मिला हुआ है। 28 मार्च की जो भी एक्सपायरी होगी, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, ऑप्शन है जो, इनकी एक्सपायरी हो जाएगी यहाँ पे 28 मार्च को, और 28 मार्च तक ये हम अपने पास रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी नजदीक ये आता जाएगा उतना ही ये प्रीमियम हमारा कम होता जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आज इसको आप सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कल मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा और मुझे यहाँ पे कल को और प्रॉफिट हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे जो ये प्रीमियम है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं, ये प्रीमियम यहाँ पे 121 रुपए का ये प्रीमियम है और आपको लग रहा है कि ये कल को यहाँ पे 150 तक जा सकते हैं, ठीक है, 150 तक ये प्रीमियम जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस प्रीमियम को आप बाय कर लेंगे, ठीक है, और इसको आप कल के लिए होल्ड रख देंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आज इसको सिर्फ आपने बाय करना होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको बाय कर लेना है। जैसे आप इसको बाय करेंगे और इसका कल तक वेट करेंगे, ठीक है, अगर ये कल को 50 तक जाता है तो आप इसको कल को प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, आप इसको कल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और भी आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, जैसे आप इसको 28 मार्च तक होल्ड करना चाहते हैं तो 28 मार्च तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आप इसमें निकलना चाहते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, तो आप इस पे निकल सकते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को होल्ड करते हैं तो आप तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक आपके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे दोस्तों जो ये पोजीशन आप यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, ये प्रीमियम आप यहाँ पे बाय करेंगे, तो अगर ये बढ़ता है तो तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया हुआ है तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन का, पोजीशन के ऑप्शन पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका लॉस होगा, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे हम ग्रो एप्लीकेशन पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कैसे किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे आपने उसको सेल करना है तो आपने क्या करना होगा, तो एग्जिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे प्रीमियम है, मतलब जो भी आपने यहाँ पे पोजिशन बनाई हुई है, जो भी आपकी पोजिशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब वो एग्जिट हो जाएगी, जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन बाय किए है वो सेल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके उसको अगर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप उसको सेल करना चाहते हैं आज इसको सेल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे दोस्तों हमारे आने वाले इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।